हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि 24 अक्टूबर को क्वैत एयरपोर्ट और क्वैत में जितनी भी फ्लाइट है सबको आने के लिए अप्रूवल मिल गया है, और साथ ही साथ जितना भी नया वीजा है सबको 24 अक्टूबर को ही खोला गया है क्वैत की तरफ से। अब एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है क्वैत के फ्लाइट को लेकर, तो क्या है वो अपडेट आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट कम होगा 24 अक्टूबर के बाद जितना भी फ्लाइट है उसके टिकट का रेट। जो भी इंडिया से क्वैत में जाने वाले हो या फिर किसी भी देश से क्वैत में जाने वाले हो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। ओके, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ट्रेवल एंड टूरिज्म फेडरेशन हुसैन अल सुल्तान, इन्होंने कहा है कि जितना भी फ्लाइट का रेट अभी है वो आने वाले टाइम में जब पूरी तरीके से क्वैत एयरपोर्ट पूरी तरीके से खुल जाएगा, मतलब 24 अक्टूबर से, तो उसके बाद जो एयरलाइन का जो फ्लाइट का जो टिकट होगा वो होगा 50% कम। मतलब जो टिकट का रेट अभी 1 लाख रुपया है तो उसका टिकट का जो रेट है वो सीधे आधा हो जाएगा, मतलब कि 50,000 रुपया तक पहुंच जाएगा। जो हुसैन अल सुल्तान है, ये जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेडरेशन जो है क्वैत के अंदर, उनके ये हेड है, मतलब उनके ये डायरेक्टर हैं, तो उनके तरफ से ही ये बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जितना भी फ्लाइट होगा क्वैत में जाने के लिए सब फ्लाइट का जो रेट है वो 50% कम हो जाएगा जैसे ही क्वैत एयरपोर्ट पूरी तरीके से खुल जाएगा, और जितने भी एयरलाइन है सबको मौका मिलेगा क्वैत के अंदर आने का। तो जो भी टिकट होगा उसका जो टिकट सीधे आधा हो जाएगा, जो अभी टिकट 1 लाख है वो आपको 50,000 रुपया या उससे भी कम में मिलेगा। साथ ही साथ मोहम्मद ने ये कहा कि जितना भी फ्लाइट है, अगर मान लो जो भी क्वैत से जाएंगे अपने देश, तो उसका जो राउंड टिकट जो आएगा वो 100 KD या 100 KD से कम के अंदर आएगा। तो मतलब ये है, अगर आप क्वैत से अपने देश जाते हो, मतलब इंडिया आते हो या नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहीं भी आप जाते हो, उसके बाद आप क्वैत में भी आते हो, दोनों तरफ के जो टिकट का रेट है वो आपको राउंड ट्रिप में 100 KD या उससे भी कम में आपको आ जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। जो भी टिकट लेने वाले लोग हैं, मैं उन सबसे बता दूं कि आप प्लीज कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन 5 दिन के लिए टिकट ना ले। उसके बाद बहुत सारे एयरलाइन अपना जो टिकट का जो प्राइस है वो अपडेट करेगा अपने साइट पे। तो हमेशा की तरह मैं आपके सामने लेकर आता हूं जो भी फ्लाइट का रेट होता है, क्या क्या होगा, नहीं होगा, सारा कुछ आपको आने वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज आप थोड़े दिन तक कोई भी फ्लाइट का टिकट ना ले, आप थोड़ा सा वेट कर ले 3 या 4 दिन, उसके बाद जो भी सस्ता फ्लाइट होगा क्वैत के अंदर आने के लिए मैं उसका डिटेल आपको बताऊंगा, फिर आप आराम से वो टिकट बुक कर लेना। तो आने वाला जो वीडियो होगा वो बस फ्लाइट के रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रैवलिंग गाइडलाइन बहुत सारा चेंज हुआ है, तो क्या क्या चेंज हुआ है ये सब भी आपको आने वाले वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाए। और आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर, लेकिन अब मैं आ गया हूं वापस आपका यान। अब जो भी छोटी मोटी भी अपडेट रहेगी क्वैत के अंदर एयरपोर्ट को लेकर, फ्लाइट को लेकर और वीजा को लेकर, आपको मिलता रहेगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ आपको कहां से कहां के लिए टिकट चाहिए आप वो भी लिख के जरूर बताना, और अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ओके, तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं आयान और आप देख रहे हैं क्वैत जॉब अपडेट। थैंक यू।